तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर चुके हैं हम। और आज हैं हम अभी रेड लाइट पर, और आज चीकू डे फर्स्ट का स्कूल है छुट्टियों के बाद। ये चीकू देखो तैयार हो चुका है, और इसी के ब्लॉग में, इसी के चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हाय गाइस बोल दे, बोलो, नाराज हो क्या? आज इसका मूड ऑफ है। आपका मूड ऑफ है, देखो भाई, पता नहीं नाराज क्यों है, समझ में नहीं आ रहा। हमने तो कुछ बोला नहीं, और अभी हम रेड लाइट पर हैं। जैसे कि सुबह के टाइम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं तो काफी जबरदस्त ट्रैफिक लगा। ये देखिए आप, ये इधर आजू बाजू में सब गाड़ियां खड़ी हैं, और ये दो रेड लाइट ऐसी होती खतरनाक कि भाई कभी कभी इसमें जबरदस्त जाम लग जाता है। और बच्चे को जहाँ पर 10 मिनट का टाइम लगता है हमें स्कूल पहुंचने में, यहीं से आगे आपका लग जाता है आधा घंटा, अगर आधा घंटा एक घंटा भी लग जाता है अगर जाम लगा हो। तो रेड लाइट से ग्रीन लाइट होने वाली है, आपसे मिलते हैं आगे। और चीकू को पहुंचाते हैं हम टाइम पर स्कूल। जी, चीकू का स्कूल थोड़ा सा रह गया है हमारा। चीकू अभी गाड़ी में ही सो रहा है क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, और हम पहुंचने वाले स्कूल। चीकू को आ रही है नींद। चलिए जी, स्कूल पहुंचाते चीकू को जल्दी से जल्दी। तो जी, चीकू जा चुका है स्कूल के अंदर, और जैसे ही गेट के अंदर उसको एंट्री कराई और गार्ड को मैंने दिया, जो आया थी बच्चा लेने के लिए आई थी, तो जैसे आया ने चीकू को पकड़ा, चीकू इतनी जोर से रोया कि नहीं पापा अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा पाँव नीचे बैठ गया, और पाँव इतना टाइट पकड़ लिया उसने, छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से रोते पीटते अंदर चले गया, और रो रहा अभी भी। चलो कोई बात नहीं, काफ़ी दिन बाद स्कूल आया है छुट्टियों के बाद, तो होता है। और थोड़ा हम लेट हो गए एक्चुअली, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए। चीकू का रोना यार अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी छोटा है। चलो कोई बात नहीं, तो 3.5 साल की एज में क्या होता है, जब हम भी गए होंगे हम भी रोए होंगे, लेकिन जब बच्चा रोता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो अभी थोड़ी देर में 2-3 घंटे में आ जाएंगे दोबारा लेने के लिए, तब तक मैं अपना कुछ काम निपटा लेता हूँ, तो मिलते हैं आपसे। तो जी, ये देखिए मैं आया हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैं काम करा रहा हूँ, ये फ्लैट में तैयार करके दे रहा हूँ यहाँ पर। और ये आपका MIG फ्लैट है, दो फ्लैट है, एक फर्स्ट फ्लोर है एक सेकेंड फ्लोर विद छत के साथ है। तो ये देखिए यहाँ, ये लगभग पूरा काम इसमें हो चुका है, पेंट का एक कोट हो चुका है, फाइनल अभी रहने का, फाइनल में लगभग 2 कोट अभी सफाई रहनी बाकी है। इसमें ग्रेनाइट का पत्थर लगाया था, जीना आपका इसमें ग्रेनाइट का ही पत्थर, और इसमें आपका मार्बल वाइट मार्बल, और यहाँ पर ये हाँ वो वासी करने के लिए आई है, कारपेंटर है, देखो दिन भर काम नहीं करता है, सोता रहता है, ये भी देखो पूरा गंद फैला रही है इन्होंने। और यहाँ पर है ये बाथरूम, ये देखिए जी, ये है बाथरूम यहाँ पर, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, खिड़की अभी तैयार होनी बाकी है। इसका एक बेडरूम ये है, ये अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ये आपका हॉल इस तरह से दिख रहा है, नीचे का एरिया अलग है, अरे पीछे से जीना है इसमें डुप्लेक्स, यहाँ से छत के लिए जा रहा है, और यहाँ से नीचे आपका फर्स्ट फ्लोर, ये इस तरह से यहाँ पर फ्लोरिंग हो रही है, अभी साफ नहीं हुआ है, तो इस तरह से जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ से ऊपर, ये जीना इसे बनाया गया है, और पीछे का बेडरूम ये यहाँ पर रूम ये, और ये इस तरह से, और यहाँ पर ये वॉश मशीन का एरिया है, इसके लिए अलग से टाइल लगाएगी यहाँ पर ऊपर छत तक, ये देखिए। तो इस तरह से काम यहाँ पर चल रहा है, और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे किचन है, तो बॉक्स बनने शुरू हो गए, काम शुरू हो गया इसका भी, ये देखिए ये किचन है यहाँ पर, और ऊपर तक इसमें पूरा वुडन, ये आपका HDMR एक्सेंट्रिक सर्कल जो काम है इसमें सारा ये वर्क है, ये फायर प्रूफ वाटर प्रूफ है इस तरह से, इसमें भी फ्लोरिंग की गई है, और जब ये तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये इसका डबल साइड वाला सिंक, तो ये कुछ इस तरह से अभी नीचे का हिस्सा ये अभी तैयार हुआ है, सिर्फ बेस,
इसके ऊपर पत्थर लगेगा, सामने टाइल लगेगी, फिर ऊपर बॉक्स बनेंगे इसको स्टोरेज के लिए, ये वाला हिस्सा। और यहाँ पर इसका गर्म पानी का प्रोविजन है, यहाँ पर ये मिक्सर वगैरह लगेगा, यानी कि गीजर वाली जगह है ये कुछ इस तरह से। और ये देखिए, और जो किचन का है सामने सामान है सारा, यहाँ पर ये सनमाइका का भी आ गई है, ये कुछ इस तरह से देखिए। ऐसा पहाड़गंज, तो ये आपका है नोटेल, एक होटल है, उसके नीचे पार्किंग है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी की है, ये देखिए आप, ये आपके पार्किंग है, आगे मेरी गाड़ी खड़ी है। यार गर्मी से तो हालत ख़राब है, लेकिन क्या करें, लेकिन जिस काम के लिए आया था मैं वो काम हुआ ही नहीं। जैसे ही पार्किंग से बाहर निकला, रोड पे देखिए यहाँ ट्रैफिक जाम, देख ये किस तरह का ट्रैफिक यहाँ पर लग गया है। और पहुंचे भाई अभी करोल बाग वाली रोड से आपका धौलकम वाली रोड पर, और यहाँ भी जाम लगा हुआ है लगातार, और देखिए पुलिस वाले जाम खुलवा रहे हैं, और गर्मी बड़ी खतरनाक यार, पसीने वाली गर्मी हो रही है, हालत खराब हो रही है। तो जी मैं पहुंच चुका हूँ चीकू को लेने के लिए, चीकू के स्कूल के पास में। तो चीकू की मम्मी आई थी, देखिए स्कूल का फर्स्ट दिन, और सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए। हाँ जी, और देखिए सामने सारे बच्चों को वहाँ पर छोड़ा हुआ है, ये सारे बच्चे यहाँ पे बिठा रखे, देखो धूप में, और धूप लग रही होगी सबको। तो हम अर्जुन को लेने आए थे, ले लिया स्कूल से, पिक कर लिया आप गाड़ी में है। और चीकू क्या खा रहे हैं आप? फ्रूट पंच। फ्रूट पंच किसने दिलाया? अंकल ने। अंकल ने तो फ्री में दिया। नो 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 नो। तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों की सब्जी, जो कि मैंने पहले नहीं बनाई है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं अच्छी बनती है या नहीं बनती है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये सारे पत्ते जो हैं डंडी में से तोड़ दिए हैं और ये अलग कर दिए हैं, और ये बनाया है मैंने बेसन का मिक्सचर, जिसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, और यहाँ मैंने कढ़ाई में रखा है पानी बॉयल करने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लगा दिया है इस पत्ते के ऊपर ये बेसन का लेप, अब मैं इस पे रखूंगी ये दूसरा वाला पत्ता। अब दोस्तों मुझे ये बनाना नहीं आता है, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और पता नहीं शायद ऐसे ही बनता है, मैंने एक बार देखा था अपनी फ्रेंड को बनाते हुए, तो शायद ये ऐसे ही बनता है, देखते ठीक बनता है कि नहीं बनता है। तो जी इसको स्टीम होते हुए हो गए हैं 10 मिनट, और अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि पका है कि कच्चा है, लग तो रहा है कि पक गया है, क्योंकि बेसन जल्दी सूख भी जाता है, जल्दी पक जाता है, इसलिए ये पक गया है। 2 मिनट इसको और रहने देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बन के रेडी है, ये सूख गया है अंदर बेसन बिल्कुल, और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। ये तेल गरम हो रहा है, और ये रखे हैं हमारे जो पकौड़े हैं, जैसे पालक के पकौड़े हो ऐसे, ये है पर अरबी के पत्तों के, ये अब हम इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये जो पत्ते हैं ना, अगर आप इसकी सब्जी बनाओ ना, तो इसके अगर ऐसे पकौड़े बना के बनानी है, तो कभी भी ऐसे बड़ा साइज का पत्ता मत लेना, क्योंकि मैं भी बड़े साइज का पत्ता ले आई थी, पर उसमें ना ये थोड़े जो डंडी है ये मोटी मोटी सी, काटने में दिक्कत हो रही थी, और बीच में से हल्का हल्का मुझे टाइट लग रही है, मुझे से हो जाते हैं, थोड़ी मोटी मोटी थी ये, जो थोड़ी टाइट हो रही है, तो इसीलिए छोटे छोटे पत्ते ही लेना आप अगर जब पकौड़े बनाओ तो। तो जी ये हो चुके हैं फ्राई, और ये मैंने टेस्ट भी करके देखे हैं, ये बहुत अच्छे हो रहे हैं, टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम इनके लिए बनाएंगे बढ़िया सी ग्रेवी, और फिर रेडी होगी हमारी सब्जी।
तो जी रेडी हो गई हमारी सब्जी, अब ये खाएंगे तो सब लोग बताएंगे कि ये कैसी बनी है। मम्मी ना गिफ्ट लेके आई है और मेरी मम्मी दुकान से लेके आई है। अच्छा तो चलो फिर खोलो खोलो। दोस्तों मैंने मंगवाए हैं चीकू के लिए बहुत सारे टॉयज जो कि वुडन से बने हुए हैं और बहुत सारी पजल्स हैं इसमें और बहुत सारे टॉयज भी हैं। इसे देख के चीकू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और ये चीकू की एजुकेशन को थोड़ा बढ़ाने के लिए उसकी एक्टिविटीज के लिए मंगाए गए हैं क्योंकि उसके पास खेलने के खिलौने तो बहुत ज्यादा हैं पर अब उसकी एक्टिविटीज सीखने की बारी है तो हमने कुछ नया मंगवाया है। आई होप कि आप लोग को भी ये चीज अच्छी लगेगी। अभी आई हमारे लिए कुल्फी, कुल्फी। चीकू और मैं खा रहे कुल्फी, हम खा रहे कुल्फी। अमूल के कुल्फी के में बड़ी स्वादिष्ट हो रही है। मेरी तो नाक पे भी लग गया, मुंह पे भी लग गया। ये मेरा देखो, नाक पे लग गई। ये हमारा चटोरा, एक नंबर का चटोरा है। आइसक्रीम का तो दीवाना है। वाह के मेयर बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा, जबकि मैं आइसक्रीम खाता नहीं हूँ लेकिन ये अच्छी लगी। कहते ना जब आपका कुछ खाने का मन करे और ऐसी चीज मिल जाए आपको तो ये भी अच्छी लगती है। नो 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 नो, मैं बहुत कम आइसक्रीम खाता हूँ, बहुत कम। कितने झूठे हो तुम, कमी कब कब खाए भाई? मैं नहीं जा रहा। कितनी आइसक्रीम खाई है तुमने 2024 में? ये दूसरी या तीसरी होगी? 24 से पहले की बात है। 24 में छोड़ना, पहले की बात है।